मजदूर के और खून पसीने से हुआ है, इसलिए हमें विश्वास है हम अपने देश की सुरक्षा भी आसानी से कर सकते हैं और लाठी चलाना भी अच्छी तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कुल्हाड़ी चला लेते हो, आरी चला लेते हो, कन्नी बसूली चला लेते हो तो लाठी नहीं चला सकते क्या? लाठी को तैयार करना क्यों करा? लाठी को दिखाना है, दिखाना है, पहले दिखा दो। हमारी तादाद इतनी है इस देश में, हम 25 करोड़ हैं। तुम्हें पता हो हम जब चाहेंगे तब तक पलट लेंगे। और सुनिए, जो लोग मार्शल रेस की बात करते हैं कि साहब ये मार्शल रेस नहीं है, मार्शल रेस में भर्ती कर लिया है सेना को, कुछ चंद जातियों को इन्होंने मार्शल बना के सेना में भर्ती कर लिया, बंदूकें उनके हाथ में दे रखी। पुलिस में तो हमारा प्रतिनिधित्व है जनता जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन सेना में नहीं है। वहां योग्यता और मार्शलिटी के आधार पर ये लोग लेते हैं। तो इनको बताना है, इतिहास भारत का कहता है कि हम भारत की संतान है। महाराज भरत जो इस देश का सम्राट सबसे पहले हुआ, उस सम्राट ने अपने बच्चों को राजगद्दी नहीं दी, 100 बच्चों को राजगद्दी नहीं दी, क्योंकि वो गैरदार थे, शराब पीते होंगे या कुछ और। उसने एक कंपटीशन कराया, उस कंपटीशन में एक नवयुवक शांतनु नाम का आया, जो शांतनु उस राजकुमार के कंपटीशन को जीत गया, उसको राजकुमार बनाया, अपनी सगी संतान को महाराज भरत ने भारत का सम्राट नहीं बनाया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं युवकों को उनके इतिहास की जानकारी देना चाहता हूँ, एक क्षमा करिए, जो शौक है वो बताएंगे। तो वहां पर शांतम ने सारी की सारी अपनी नजायज औलादों को भारत को सौंप दिया और वो सारी औलादें ब्राह्मणिकल औलादें, ब्राह्मणिकल मैं कहने के उसे यानी कि ब्राह्मण ऋषियों से पैदा है, उन गौरव पांडवों में एक भी राजा भारत के वंश का नहीं है। अगला है मौर्य वंश का, हमारा सम्राट मौर्य, हमारा सम्राट अशोक मौर्य, उसकी तलवारें जब चलती तब हमारा राज्य कहां तक था? काबुल और गंधार तक और पूरब में बंगाल तक। इस देश में अशोक की तलवार से शासन पहुंचा काबुल गंधार तक और इन राजपूत शासन काल में यह देश खंडित होते होते सिर्फ राजस्थान के बॉर्डर तक रह गया, बाकी सब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब अलग अलग हो गए। ये इनकी नालायकी हुई और कहते हैं अपने आप को मार्शल रेस। ये नालायक लोग, नामाकुर लोग अपने आप को नालायक लोग जो है शासन कर रहे हैं। हमारी मांग है हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को जनसंख्या के आधार पर सेना में प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्या आप सहमत हैं? सेना में भर्ती होंगे? यही बताना है। मैं सिर्फ आपसे यही कमिटमेंट चाहता हूँ, सेना में भर्ती कराने के लिए आप तैयारी करें, शारीरिक बलिष्ठ बने और मेहनत करें। दुश्मनों को क्या गए, इतनी ताकत है दो आदमी को आप कंट्रोल कर सके, कम से कम एक नौजवान दो आदमी के बराबर होगा। 25 करोड़ या 50 करोड़ के बराबर जिस दिन हो जाएंगे, जिस दिन मेरा नौजवान दो आदमी को। धन्यवाद। जय हिंद।